पालकोटन मंडळी नी मळेली सभा तोफानी बनी हती। डिस्ट्रिक्ट बैंक द्वारा पालकोटन मंडळी नो अकाउंट सीज कराता लपाड़ सहित ना 4,500 खेडूतोना रूपया चाव थता सभा मां होबाळो मचाव्यो हतो, जेमां कोटन मंडळी ना प्रमुख ने खेडूतोए आड़े हाथे लीधा हता। सूरत डिस्ट्रिक्ट बैंके पाल कोटन मंडळी नू ओवरड्राफ्ट अकाउंट सीज करता खेडूतो मां रोष जोवा मळ्यो हतो। पाल कोटन मंडळी खाते मळेली सभा मां खेडूतोए विरोध कर्यो हतो अने उनाळु चोमासु डांगरना रूपया 12 करोड़ नहीं चूकवाया होय अने 1.5 वर्षथी डांगरना रूपया चूकवाना मात्र वायदाओ थता होय त्यारे हालमां बैंक अकाउंट सीज कराता ओलपाट सहितना 4,500 खेडूतोना रूपया चाव थया होवाना आक्षेप साथे खेडूतोए सभा में होबाड़ो मचावी पाल कोटन मंडळी प्रमुख अने गुजरात खेडूत समाज प्रमुख जयेश पटेल ने आड़े हाथे लीधा था। मरु नाम विजय पटेल, डिरेक्टर पाल कोटन सहकारी मंडळी। गई काले प्रमुख श्री द्वारा एक सभा आयोजन थयु हतु। कम से कम 300 से 400 खेडूतो हाजर रह्या हता अने खूब उग्र सभा बनी थी अने ए सभानी अंदर डिरेक्टरो छेल्ला 1.5 वर्षथी 1.5 वर्षथी जे प्रमाणे प्रमुखशी ने रजूआत करता था, प्रमुखशी हमेशा एक हट्टू शासन चलावता था, एवं गुजरात खेडूत समाजना प्रमुख जयेश पाल जे हाल में पालकोटन मंडळीना प्रमुख है, वारंवार रजूआत लेखित रजूआत करवा छता पण एमणे कदी पण डिरेक्टरों न सांभळता ने आपखुद सही चलावता गई काले एमणे जे निवेदन कर्युं हतुं के वेपारी पासे 24 करोड़ रुपयानी लेनी रकम निकले छे ने ते उपरांत व्याज सहितनी रकम लेवानी थाय छे, त्यारे छेल्ला बे टर्म उनाळु 2020 अने ऑक्टोबर एटले के चोमासु 2020 नो जे डांगर नो हिसाब करवानो हतो, जे हिसाब खेडूतोने चूकवानो हतो ए डिरेक्टरोना ऊपर वज जईने मंडळीमां नाणाकीय परिस्थिति सारी न होवा छता डिरेक्टरोना विरोध करवा छता डिरेक्टरोए ज्यारे ठराव बुकनी अंदर विरोध नोंधाव्यो त्यारे मैनेजर साथे रहीने एनी पर व्हाइटनर मारीने आपखुद सही चलावनार जयेश पाल विरुद्ध गई काले खेडूतोनो आक्रोश खूब रह्यो हतो। आ तबक्के डिरेक्टर तरीके मारे एटलुं जणाववुं छे के खेडूतो ने ज्यारे आ परिस्थिति कुदरत पण ज्यारे अत्यारे विफरेली छे त्यारे खेडूतोनो कोई बेली नथी अने ज्यारे भारत खेती प्रधान देश होय अने एवामां पण ज्यारे गुजरात खेडूत समाजना प्रमुखनुं स्थान जयेश पाल धरावे छे त्यारे मारे एमने एक ज वस्तु कहेवी छे, तमारथी खेडूतनो हित न थतुं होय तो गुजरात खेडूत समाजना प्रमुख तरीके तमे ए सत्ता पर सोपता ज नथी। खेडूतोना केटला पैसा अटवाया छे अने खेडूतोनी हालत अत्यारे केवी छे? गई काले जे सभामां जयेश पाले जे निवेदन कर्युं के 24 करोड़ रुपया वेपारी पासे लेवाना 24 करोड़ वट्टा व्याज अने ए सिवाय मंडळीमां खेडूतोए एक एक परसेवाना टीपाए भेगी करेली फिक्स डिपोझिट पण 5.5 करोड़ जेटली छे, जे हालमां खेडूतोने नथी मळी रही। ए उपरांत मंडळीनी अंदर विकास फंड के अन्य जे फंडो छे ए पण 5 से 10 करोड़ जेटला ठावा पाम्या छे, तेनी पण हालमां ऑन पेपर माहिती मळे छे, कारण के ज्यारे एनी कंईक माहिती मांगीए छे लेखितमां ए आपता नथी। आ तबक्के खेडूतोनी हालत एटली કફોડી છે, એક બાજુ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ખેડૂતોને પૈસા નથી ચૂકવાયા, ઉપરથી કોરોના કાળ ચાલી રહ્યો છે તેમાં પણ ખેડૂતો બેહાલ થઈ ગયા છે અને ઉપરાંત આ વર્ષે જ્યારે વરસાદ સમય કરતાં વહેલા પડતા ખેડૂતોનું ડાંગર જે રીતના નુકસાન થવા પામ્યું છે, ખેડૂતોની હાલત ખૂબ જ કફોડી છે અને આ તબક્કે એટલું જ કહીશ કે ખેડૂતોના પૈસા જલ્દીમાં જલ્દી રિકવર થઈને ખેડૂતોને મળે, અમે બધા ડિરેક્ટરો થઈને રજિસ્ટ્રારને પણ અગાઉ જાણ કરી છે અને આવનારા સમયમાં ખેડૂતોને જલ્દી પૈસા મળે એ જ અમે ઈચ્છીએ છીએ। પાલ કોટન મંડળીનો સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકમાં આવેલ ઓવરડ્રાફ્ટ અકાઉન્ટ સીઝ કરાતા હાલ તો ખેડૂતોની હાલત કફોડી બનશે તેમ લાગી રહ્યું છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ સુરત।